तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू नोमैडिक टीएफ के यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं एक और नई लोकेशन पे आया हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हो गाइस। कैंपिंग करने के लिए हमारा टेंट लग चुका है, आप देख सकते हो। तो गाइस, पीछे आप देख सकते हो, मेरे पीछे सनसेट हो रहा है और पास ही पहाड़ है। लोकेशन तो बहुत बढ़िया है गाइस, सीरियसली लोकेशन तो बहुत ज़बरदस्त है, आप मेरे पीछे देख सकते हो गाइस। लोकेशन बढ़िया है गाइस, सच बता रहा हूँ, लोकेशन तो एकदम ज़बरदस्त है गाइस। तो गाइस आप देख सकते हो, इधर सनसेट हो रहा है और तो गाइस फाइनली अब मैं टेंट के अंदर आ चुका हूँ। मैं थोड़ी देर रेस्ट लेता हूँ, उसके बाद जो भी करना है फिर करेंगे। अब थोड़ी देर सच में रेस्ट लेता हूँ यार, बहुत थक गया हूँ टेंट डाल के। तो दोस्तों, इधर ये करना है मुझे हेल्प कर रहे हैं कैंपिंग करने के लिए, आग जलाने के लिए, आप देख सकते हो गाइस। यार ये आग जलाने का काम सच बता रहा हूँ इतना मुश्किल है सच बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले कैंपिंग कर रहा हूँ ये, तो आग जलाना थोड़ी मुश्किल है। तो नेक्स्ट टाइम मैं ब्यूटेन सिलेंडर ले लूँगा तो कुछ भी दिक्कत नहीं रहेगी। दोस्तों आज आया हूँ कैंपिंग करने के लिए एक विलेज में, और एक विलेज में पहाड़ है, वो पहाड़ के पास मैं कैंप डाला हूँ, लेकिन सब लोग मुझे कुछ अजीब नजर से देख रहे हैं। मतलब कुछ सब लोगों को कुछ चौंकाने वाली बात है, ये क्या है करके। सो सब लोग आग पूछ रहे हैं क्या कर रहे हो करके। फिर उधर ये कन्ना मुझे मिल गए, वो मुझे मदद कर रहे हैं आग जलाने के लिए। तो फाइनली गाइस हमारी आग लग चुकी है, आप देख सकते हो, ये एकदम ज़बरदस्त आग लग चुकी है। अब मैं टेंट के अंदर आया हूँ और भाई ये चॉपिंग बोर्ड भी नया लिया हूँ, आप देख सकते हो। दोस्तों बेसिकली मैं कैंपिंग कर रहा हूँ कर्नाटका लोकेशन से। एक्चुअली मैं कनाडा में भी वीडियोस बनाता हूँ और हिंदी में भी बनाता हूँ, तो कनाडा में बनाता था, सोचा मैं क्यों ना मैं हिंदी में भी ये वीडियो को बना दूँ करके, तो इसीलिए दोनों लैंग्वेज में वीडियो बनाता हूँ गाइस। तो गाइस इसी वजह से मेरी हिंदी थोड़ी ठीक ठाक है, मतलब उतनी अच्छी नहीं बोल लेता, लेकिन फिर भी कुछ ठीक ठाक बोल लेता हूँ गाइस। तो अन्ना का टाइम हो गया इसीलिए वो जा रहे हैं, अन्ना को थैंक्स बोल दिया मैं। हाँ सर अन्ना, थैंक्स अन्ना, हाँ थैंक्स अन्ना। तो दोस्तों आज हमारे मेन्यू में है एक स्पेशल पहाड़ों वैली मैगी। कुछ मैगी को मैं कुछ डिफरेंट तरीके से बनाना चाहता हूँ, तो गाइस चलो शुरू करते हैं।
तो भाई साहब काट के रेडी हो चुका है। तो गाइस हम बनाएंगे स्पेशल मैगी। दोस्तों इधर नज़दीक में ही एक मंदिर है और इधर एक दरगाह भी है, इसीलिए कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है। दोस्तों आप देख सकते हो सनसेट हो चुका है, कंप्लीट अंधेरा हो रहा है गाइस। अब एक्चुअली मैं लाइट्स भी नहीं लगाया हूँ गाइस, कुछ एक लाइट लगाया हूँ तो उसी से ही काम चलाना पड़ेगा आज। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताओ आप किस शहर से देख रहे हो, ताकि मुझे पता चलेगा कि आप किस शहर से देख रहे हो करके। तो दोस्तों आप देख सकते हो अब कंप्लीट अंधेरा हो चुका है गाइस, कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं आपको। मैं पीछे से बैक कैमरा से लोकेशन दिखा देता हूँ। तो गाइस हमारी मैगी 80% पक चुकी है, आप लोकेशन देख सकते हो गाइस, सनसेट हो चुका है, लोकेशन तो एकदम जबरदस्त है गाइस। आप देख सकते हो मेरे सामने कंप्लीट अंधेरा ही अंधेरा है गाइस। तो भाई साहब फाइनली हमारी मैगी पक चुकी है गाइस, साथ में मैं कॉफी भी बना लिया। बाहर बहुत अंधेरा है तो इसीलिए मैं कुछ भी नहीं दिखा पाऊंगा, मतलब अगर दिखाए तो भी कुछ भी अंधेरा है इसीलिए कुछ भी नहीं दिखेगा गाइस। अब मैं आपको मैगी दिखाऊंगा। तो गाइस आप देख सकते हो ये है हमारी मैगी पक चुकी है, इसमें है एग, बहुत सारे वेजिटेबल्स और मैगी, और साथ में है गर्मा गर्म कॉफ़ी, और साथ में है हमारी एक बिस्किट पैकेट। दोस्तों आप इसे फटाफट खत्म करेंगे गाइस। दोस्तों बाहर सब बहुत अंधेरा है गाइस, सीरियसली कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, और इस सारे जंगल में अकेला मैं हूं, मुझे थोड़ा डर लग रहा है, फिर भी इट्स ओके गाइस, नो इशू, मतलब सोलो कर रहा हूँ ना, इसीलिए पहली बार सोलो कैंपिंग कर रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा डर हो रहा है, बट इट्स ओके गाइस, नो इशू। भाई साहब कॉफी बढ़िया बनी है, और ऐसा कैंपिंग करके कॉफी पीना साथ में बिस्किट, इसका मजा ही कुछ अलग है गाइस। मतलब इस जो कैंपिंग का एरिया है ना उससे अराउंड 200 मीटर्स वॉक करके गए, तो बहुत बहुत सारे घर हैं उधर,
अब बैकग्राउंड वॉइस सुन सकते हो, मेन रोड भी है, बहुत सारे व्हीकल जा, बाइक्स बसेस जाते रहते हैं, फिर भी कुछ भी डर नहीं गाइस, इट्स ओके, आई विल मैनेज, समहाउ आई विल मैनेज। तो आज रात का प्लान ये है कि इधर ही सोऊंगा मैं। एकदम जबरदस्त, बहुत बढ़िया है गाइस। ऐसे सारे वेजिटेबल्स डाल के मैगी खाने का मजा कुछ अलग है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि अब और ज़्यादा आपको अच्छे अच्छे कैंपिंग्स के वीडियोस दूँ करके। तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे वीडियोस को लाइक करो गाइस, आप भी हमारी फैमिली में एक हिस्सा जुड़ जाइए गाइस, आपको डेफिनेटली अच्छे अच्छे कैंपिंग के वीडियोस लाऊंगा। तो चलो गाइस, हमारे बिस्किट भी ख़त्म हो चुके हैं, ये मैगी और कॉफ़ी खा के ख़त्म करता हूँ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। तो गाइस फाइनली बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।